20,000 है, ये रखो, तुम रख लो। नहीं, मैं नहीं रख सकती, पागल हो? देखो, इस तरह की बातें करके तुम सीधेपन की हद क्रॉस करके बेवकूफी की हद में घुस रही हो अब। लूट के पैसों को लेने से इनकार करना बेवकूफी नहीं है रिदा? और जो ये आप करता फिर रहे वो ठीक है, तो मेरा, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गई हूँ। अगर तुम्हें अपनी लाइफ खिस खिस के गुजारनी है तो ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? मैं कुछ नहीं कहती, ना मैं तुम्हारे हिस्से की लाइफ जी सकती हूँ और ना मैं तुम्हारे लिए कोई डिसीजन ले अच्छा सकती अच्छा नाराज तो मत हो। देखो, मैं अपना नया चैनल कोई गलत काम करके शुरू नहीं करना चाहती। मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगी, स्कूल में पढ़ा लूंगी, पैसे जमा करके फिर अपना चैनल शुरू कर लूंगी। देखो, तुम तो मेरी प्यारी बहन हो ना, तुम तो मेरी हिम्मत बंधाती हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो फिर मैं ये वापस कर देती हूँ आपको। तुम आ जाओ, नाश्ता कर लो। रिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। बहुत देर लगा दी आने में है, नाश्ते की मेज पर जरा वक्त पे आना चाहिए। और ये क्या, इतना सिंपल सूट पहन लिया शादी के पहले ही दिन? कोई फॉर्मल सा सूट निकाल के पहन लेती परी से। अब क्यों, हमें कहीं जाना था? कहीं जाने के लिए नहीं भाई, नई नई शादी हुई है, लड़कियां अच्छी लगती हैं सजी बनी। वो घर में फॉर्मल सूट पहनकर क्या करूंगी, किसके लिए पहनूंगी? मेन भाई, किसके लिए? दावत के लिए, हमारे लिए? पप्पू जान, मुझसे नहीं होगा ये सब। एंड आई एम श्योर कि दावर को भी ये सब पसंद नहीं होगा, है ना दावर? अपना घर है, शुद्ध चाय करना। बटर और जैम पास करना। बेटा, जरा दावत को भी सर्व कर देना। खुद कर लूंगा। एक्चुअली पप्पू को बहुत फिक्र रहती है आपकी। पप्पू, आज आप हॉस्पिटल नहीं गई? नहीं भी, हॉस्पिटल से मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली है। मैं चाहती हूँ थोड़ा टाइम घर में गुजारूं, तुम्हें कुछ समझाऊं, इस घर के तौर तरीके क्या हैं जरा बेहतर तरीके से बताऊं। लेकिन इसकी क्या जरूरत है, मैं तो बचपन से यहाँ आती जाती रही हूँ, सब जानती हूँ। पहले तुम बेटी की हैसियत से आती थी ना, अब बहू के तौर पर एक्सपेक्टेशन जरा डिफरेंट हो जाती है। बेचारी को टेंशन दे रही है, तो शादी रिलैक्स करने दें। दावर, यू नो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मेरी बात बीच में कोई काटे। लेट मी फिनिश। कल को इसने सारा घर बार संभालना है, हमारा सब कुछ देखना है, मुझे समझाना तो होगा ना इसे। तुम्हें पता है तुम्हारी दादी क्या कहा करती थी? पप्पू, क्या फर्क पड़ता है, दादी तो बहुत कुछ कहा करती थी, अब वैसे भी जमाना बदल गया है। कुछ नहीं बदला, अच्छे घरों की ट्रेडिशंस कभी नहीं बदलती। खैर, अच्छी बात यह है कि तुम्हें इस घर में कुछ खास काम काज नहीं करना पड़ेगा, अपने घर की तरह। लेकिन हाँ, स्टाफ है, उसको देखना, सुपरवाइज करना, इट्स अ बिग हाउस, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स अ गुड आइडिया। अम्मी तुम्हें सब समझा देंगी तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा यहाँ के तरीकों को अडॉप्ट करना।